हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानटेक एजुकेशन। आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ा सा सीक्वेंस से हटकर है, बिकॉज अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो हमने फाइलम पोरिफेरा का स्टार्ट लिया था और इसी को लेकर हमें आगे कंटिन्यू करना था। लेकिन हमारी एक स्टूडेंट हैं सुष्मिता, जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की कि हाइड्रा की लोकोमोशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए या एक लेक्चर दिया जाए। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली इन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें हाइड्रा की लोकोमोशन में कुछ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आज की इस वीडियो को देखने के बाद हाइड्रा की लोकोमोशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स एंड डिफिकल्टीज हैं वो दूर हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन। सो हाइड्रा है क्या? बेसिकली हाइड्रा इज द जीनस ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम निडेरिया एंड क्लास हाइड्रोजोआ। मीन्स हाइड्रा जो है स्मॉल ग्रुप से ऑर्गेनिजम्स का, यूजुअली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, जो फाइलम निडेरिया से बिलोंग कर रहा है और क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग कर रहा है। दे आर नेटिव टू द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। ओके, नॉर्मली अ हाइड्रा रिमेन्स अटैच बाई द बेसल डिस्क टू सम सुटेबल ऑब्जेक्ट इन द वाटर। मीन्स नॉर्मली हाइड्रा जो है एक सबस्ट्रेटम के साथ अपने बेसल डिस्क के थ्रू, एक सबस्ट्रेटम के साथ या एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ जो है वो अटैच होता है या चिपका हुआ होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ट्विस्ट है, अगर ये एक सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है तो इसकी मूवमेंट कैसे होती है या इसकी मूवमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है। ऑल सच मूवमेंट्स आर कॉज बाय द कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स फाइबर्स of the muscles processes of epidermis and gastrodermis, means in response to various stimuli, जैसे अगर उसे food को capture करना होता है या कोई enemy है इसकी तरफ बढ़ रहा है तो इस उससे बचने के लिए या कुछ stimuli हैं उनसे बचने के लिए जो है ये movement show करता है। movements किस वजह से होती है? Construction and expansion से, contractile muscles fiber की construction and expansion से जो है ये hydra जो है वो move करता है। So the first and the most common type of locomotion which are seen in Hydra is looping. Okay, looping क्या है? Basically looping is the most common type of walking style, similar to the looping of an each worm and caterpillar. जैसे कि हम देखते हैं किसी भी each worm को या caterpillar की locomotion या movement को देखते हैं, इसी तरह की जो locomotion है वो यहाँ पर Hydra में भी देखी जाती है। While standing erect, होता क्या है? Standing erect, the body first extend and then bend and then fix the tentacle to the substratum by means of gelatinous nematocyst. Means कि सबसे पहले जो हाइड्रा है वो इरेक्ट स्टैंडिंग पोजिशन में खड़ा हो जाता है, उसके बाद एक्सटेंड होता है और बैंड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। जैसे जैसे ये बैंड होता है तो इसके टेंटिकल जो है वो सबस्ट्रेटम की तरफ मूव करने स्टार्ट होते हैं और ये बैंड होता होता जो है इसके जो टेंटिकल्स हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ नेमाटोसिस्ट की मदद से चिपक जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। इट देन रिलीज द अटैचमेंट ऑफ द बेसल डिस्क एंड रीअटैच द बेसल डिस्क नियर द टेंटिकल्स अगेन एंड अज्यूमिंग एन अपराइट पोजिशन बाई रिलीजिंग इट्स टेंटिकल्स। मीन्स जब ये बैंड होता है पूरे तरीके से और टेंटिकल्स अटैच हो जाते हैं, इसकी जो बेसल डिस्क की अटैचमेंट है वो सबस्ट्रेटम से जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और ये टेंटिकल्स इस बेसल डिस्क को जो है फोर्स करते हैं आगे की तरफ मूव करने को, ठीक है। ये पोर्शन जो है हाइड्रा का ये आगे की तरफ मूव करता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो है यहाँ पर आ गया है। तो जब ये आगे मूव कर जाता है तो ये टेंटिकल्स जो है वो सबस्ट्रेटम को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं और अगेन जो है हाइड्रा अपनी इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लूपिंग। एक सिंपलेस्ट टाइप है जिसमें जस्ट होता क्या है कि बैंड होने स्टार्ट होता है हाइड्रा, जैसे ही बैंड होता है तो इसके जो टेंटिकल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं सबस्ट्रेटम के साथ और ये जो बेसल डिस्क है वो अपनी जगह छोड़कर आगे की तरफ मूव कर लेता है। और जब वो आगे की तरफ मूव कर लेता है तो ये जो टेंटिकल्स हैं वो सबस्ट्रेटम से रिलीज हो जाते हैं और अगेन अपनी इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हो जाता है। सेकंड वन इज समरसॉल्टिंग। समरसॉल्टिंग इज लाइक द लूपिंग, बिल्कुल लूपिंग की तरह की ये मूवमेंट या लोकोमोशन है हाइड्रा की। इसमें होता क्या है कि हाइड्रा एक्सटेंडेड बॉडी एंड देन बैंड साइड टू द प्लेस ऑफ टेंटिकल ऑन द सबस्ट्रेटम ड्यू टू द जिलेटिन नेमेटोसिस्ट हेल्प टू फिक्स द टेंटिकल्स द बेसल डिस्क इज फ्रीड फ्रॉम इट्स अटैचमेंट एंड द एनिमल स्टैंड
its tentacles and the body contract strongly till it appears like this small knob. Means somersaulting में अगर एक simple words में अगर कहूँ कि somersaulting में होता क्या है, so it's just like a looping. जैसे कि हमने looping में देखा कि सबसे पहले जो hydra है वो एक standing और erect position में जो है वो खड़ा हो जाता है. उसके बाद जो है वो bend होना start होता है. जैसे ही वो बैंड होता है तो जो इसके टेंटिकल्स हैं वो सबस्ट्रेटम की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. और ये जो टेंटिकल्स हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं या अटैच हो जाते हैं, ठीक है. बट लूपिंग में हमने क्या देखा कि जैसे ही टेंटिकल्स सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, जो इसका बेसल डिस्क है वो फोर्स करता है और आगे की तरफ मूव करता है और ये दोबारा से इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हो जाता है हाइड्रा. लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि टेंटिकल्स जो है सबस्ट्रेटम के साथ जब अटैच होते हैं तो ये आगे मूव करने के बजाय ये सबस्ट्रेटम को छोड़ देता है. बेसल डिस्क जो है सबस्ट्रेटम को बिल्कुल छोड़ देता है और बिल्कुल रिलीज हो जाता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि यहाँ से जो है सबस्ट्रेटम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हुआ और ये जो है जो इसका नीचे का पार्ट था मीन्स बिल्कुल उलट हो गया है, ये ऊपर की तरफ आ गया और टेंटिकल्स जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है और ये हाइड्रा जो है बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में जो है वो खड़ा हो गया है. इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रा जो है अगेन बैंड होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो बेसल डिस्क है ये अगेन सबस्ट्रेटम की तरफ बढ़ती है और अटैच हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता से जो टेंटिकल्स हैं वो सबस्ट्रेटम से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और हाइड्रा अपनी अगेन इरेक्ट पोजीशन में आ जाता है. सो इस तरह से जो है हाइड्रा जो है आगे की तरफ मूव करता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट समरसॉल्टिंग. सो नाउ कैटलफिश लाइक मूवमेंट मीन्स अगर आपने कैटल फिश की मूवमेंट को या लोकोमोशन को देखा है सो हाइड्रा भी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो मूव करता है. द टेंटिकल्स आर फिक्स टू द सबस्ट्रेटम विद द पेडल डिस्क अप मीन्स कि जो टेंटिकल्स हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स होते हैं और जो पेडल डिस्क है वो ऊपर की तरफ जो है वो मौजूद होती है, ठीक है. हाइड्रा मूव्स ओवर द सबस्ट्रेटम बाय पुलिंग इट्स टेंटिकल्स अलोंग मीन्स हाइड्रा जो है वो एक कैटरफिश की तरह अपनी टेंटिकल्स के थ्रू जो है वो आगे की तरफ मूव करता है. सो द नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग. समटाइम्स हाइड्रा कैन प्रोड्यूस अ बबल ऑफ गैस सीक्रेटेड बाय सम एक्टोडर्मल सेल्स ऑफ द बेसल डिस्क. एक्चुअली में जो बेसल डिस्क होता है हाइड्रा का वहाँ पर कुछ एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं जो समटाइम्स जो है एयर बबल को या गैस बबल को जो है वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है. जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो ये हाइड्रा है, ये सबस्ट्रेटम है और बेसल डिस्क से जो है एक बबल गैस बबल जो है वो रिलीज हुआ है विच हेल्प द एनिमल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड इट्स पोजेसिवली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर करंट और विंड. सो इस गैस बबल के थ्रू जो एनिमल है वो फ्लोट करता है ओवर द वाटर सरफेस एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट एंड विंड ब्लो जो है ये हाइड्रा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है वो मूव करता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फ्लोटिंग मूवमेंट. सो द लास्ट वन इज क्लाइंबिंग मीन्स नाम से जो है क्लाइंब करना, ऊपर की तरफ चढ़ना या बढ़ना, ठीक है, या ऊपर की तरफ मूवमेंट, ठीक है. सो हाइड्रा कैन क्लाइंब बाय अटैचिंग इट टेंटिकल्स टू सम डिस्टेंस ऑफ जैक एंड देन रिलीजिंग द बेसल डिस्क. मीन्स हाइड्रा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है या क्लाइंब करता है या मूव करता है बाय रिलीजिंग इट्स बेसल डिस्क मीन्स बेसल डिस्क को सबस्ट्रेटम से रिलीज करके किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट के साथ अपने टेंटिकल्स को अटैच करके ऊपर की तरफ जो है वो हाइड्रा मूव करता है या क्लाइंब करता है बाय कंट्रैक्टिंग द टेंटिकल्स एंड द बॉडी ड्रॉन अप टू द न्यू पोजीशन. मीन्स कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम, यहाँ पर एक रैंडम ऑब्जेक्ट दिया गया है जैसे कि एक प्लांट दिया गया है. सो ये हाइड्रा जो है सबस्ट्रेटम के साथ यहाँ पर अटैच था तो इसने क्या किया, अपने टेंटिकल्स को जो है वो अटैच कर दिया प्लांट के साथ, प्लांट के लीव्स के साथ और फोर्स करना स्टार्ट किया अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ. सो जैसे ही इसने फोर्स किया तो ये जो बेसल डिस्क है वो रिलीज हो गई सबस्ट्रेटम से. ये जो हाइड्रा है ये एक न्यू पोजिशन पे जाकर अटैच हो गया. सो दैट वॉज ऑल अबाउट लोकोमोशन इन हाइड्रा. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हांटेक एजुकेशन. थैंक यू.